अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर फजल शबाज खान। और एक बार फिर अपने एक नई सीरीज़ इंस्टेंट क्वेरी के अपने सेकंड सीज़न सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बार फिर, ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, लेकिन एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल डू सब्सक्राइब टू इट। एज़ यू कैन सी द नेम ऑफ इट, दैट इज़ इंग्लिश लेसन्स बाय फजल शबाज खान। लेकिन सब्सक्राइब करना काफ़ी नहीं होता, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन बैक टू बैक वीडियोस की मिलती रहें। बहुत सारी सीरीज़ हैं आपके लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप इससे फैज़ियाब हों। सवाल जवाब का सेशन अब मैं बैक टू बैक लिया करूँगा, और आगाज़ करते हैं सबसे पहले उस सवाल से जो मुझसे पूछा था शर्जील अब्बास ने। तो शर्जील अब्बास, आप मुझे देखिएगा, मैं आपसे आपको एड्रेस कर रहा हूँ। और शर्जील अब्बास के एक सवाल का जवाब मैं दे चुका था, एक सवाल उनका बाकी था। तो पहले आइए शर्जील अब्बास के एक सवाल का जवाब देते चलें। उनका सवाल था कि सर, आई एंड माय ग्रुप कहना सही है या मी एंड माय ग्रुप कहना सही है। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। एक बात याद रखिएगा शर्जील, और इस तरह सारे जो मुझे सुन रहे हैं वो भी इसको फोकस करें। सब्जेक्ट जुमले के हमेशा शुरू में आता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में जाता है। तो अब ये डिपेंड करता है आपके यूज़ पर। अब देखें, दोनों देखा जाए तो एंड से जुड़े हुए हैं, ये भी एंड से दोनों सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, ये भी एंड से दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन फ़र्क ये है, समझने वाली बात है, कि जो पहला पार्ट है जिसमें अगर आई यूज़ किया जा रहा है, और जो दूसरा पार्ट है जिसमें मी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क यूँ है, क्योंकि आई आप आम तौर पे यूज़ करते हैं सब्जेक्ट की तरह। तो अब सवाल ये है कि हम इनमें से शुरू में या आखिर में क्या यूज़ करें। अगर कि मैं इस पोर्शन को एज सब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा शर्जील, ये मैटर वैसे हर एक के साथ है, तो सवाल शर्जील ने पूछ लिया लेकिन फैज़ियाब सबको होना चाहिए। अगर आप इसका इस्तेमाल एज सब्जेक्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है, तो फिर आप लिखेंगे आई एंड माई ग्रुप। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं और मेरा ग्रुप तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, आई एंड माई ग्रुप आर वेटिंग। अब आई एंड माई ग्रुप यहाँ सही है, वो क्यों? क्योंकि आपने इसको सब्जेक्ट के तौर पे शुरू में यूज़ किया है। कभी भी ये नहीं होगा मी एंड माई ग्रुप आर वेटिंग, क्योंकि सब्जेक्ट है ना, आई सब्जेक्ट दिख भी रहा है, मी ऑब्जेक्ट अपनी शक्ल से ही दिख रहा है। और अगर आपकी इंटेंशन इस पोर्शन को यूज़ करने की है, तो आप इसे सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ नहीं करेंगे। यू कैन ओनली यूज़ दिस पार्ट ओनली इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ना तो ये गलत है, ना तो ये गलत है। अमूमन लोग इसे गलत कहते हैं, ये गलत नहीं है, यूज़ पर डिपेंड करता है। अब आप आखिर में यूज़ करेंगे तो आप इसे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब्जेक्ट नहीं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो आप ऑब्जेक्ट की शक्ल में इसे आखिर में यूज़ करें। दे केम टू मीट मी एंड माई ग्रुप, वो मुझसे और मेरे ग्रुप से मिलने आए। अब देखें, यहाँ पर आपने खुद को और अपने ग्रुप को एक्शन के परफॉर्मर की हैसियत से थोड़ी प्रेजेंट किया, आपने रिसीवर की हैसियत से शो किया। तो इट्स इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द यूज़। अगर आप सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे शुरू में तो आई एंड माई ग्रुप, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे तो मी एंड माई ग्रुप। तो होप दिस आंसर्स शर्जील। मैं अब इसे मिटाने जा रहा हूँ। एक और सवाल मुझसे पूछा नजम ने, नजम अशरफ ने, वन ऑफ माई फॉर्मर स्टूडेंट्स, जिन्होंने मुझसे कई क्लासेस भी पढ़ी हैं, लेकिन मुझसे एक सवाल उन्होंने किया, बड़ा इंटरेस्टिंग। शायद कि उन्हें ये बात याद ना हो, हालांकि मैंने ये बात उन्हें वाइल टीचिंग एक ज़माने में बताई भी थी। उनका सवाल बड़ा मासूमाना था, और वो ये, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बी एंड इज आर एम। तो नजम अशरफ, आपसे मुखातिब हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। एक तरफ हमें बी लिखा दिख रहा है, एक तरफ हमारे पास जो सेक्शन है वो है इज एम आर का। तो फोकस बनाए रखिएगा, इसे भी आप फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इन्हें भी आप
फर्स्ट फॉर्म ही कहते हैं। ये एक्चुअली सवाल था नजम अशरफ का कि सर ये दोनों फर्स्ट फॉर्म है, दोनों में फर्क क्या है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर मुझे फ्यूचर टेंसेस की बात करनी है, मोस्ट स्पेसिफिकली हम अगर फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं बी ओरिजिनली, क्योंकि बी को सपोर्ट करने के लिए उससे पहले विल और शैल ऐड किया जा सकता है, तो सपोर्ट मौजूद है, इसलिए ये एक सेकेंडरी सपोर्ट बन जाता है, तो इसलिए ये अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ सकता है। तो ओरिजिनल शक्ल है वैसे बी, ये ओरिजिनल नहीं है। अब दूसरी तरफ आते हैं तो ये भी फर्स्ट फॉर्म बी से ही निकलती है, लेकिन ये हम यूज़ करेंगे फ्यूचर नहीं बल्कि उस टेंस में जो हमारा प्रेजेंट का टेंस होगा। अब चले, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज़ होता है, यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यूज़ होता है, और हर उस टेंस में यूज़ होगा जो प्रेजेंट से बिलोंग करेगा। मैंने यहाँ सिंपल लिख दिया है, मैं अब सिंपल को मिटा देता हूँ। नजम ज़रा गौर करिएगा, आसान लफ्ज़ों में बताऊँ दोनों सही है, दोनों फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल सही कहा, बट बी इज द फ्यूचर वर्जन बिकॉज इट हैज़ द सपोर्ट ऑफ अदर हेल्पिंग वर्ब्स इन द लाइक्स ऑफ विल, शैल एक्सेट्रा, एंड दिस इज द प्रेजेंट वर्जन ऑफ बी जिसको कोई सपोर्ट हासिल नहीं होती, ये अपने आप में तने तनहा इनमें से कोई भी एक वर्ड अपने आप में ही अकेले यूज़ किया जाता है। तो ये इसी का प्रेजेंट वर्जन है, ये इसी का फ्यूचर वर्जन है। होप दिस आंसर इज नजम। नजम के सवाल का भी जवाब दे चुका हूँ। अब यहाँ पर एक और सवाल ले लेते हैं। अब मुझसे सवाल यहाँ पे पूछा मोहसिन ने, एक मेरे फॉलोवर हैं, एक मेरे व्यूअर हैं। मोहसिन कहते हैं कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, हालांकि इंग्लिश ग्रामर शॉर्ट फॉर्म को डिनाई करती है सिर्फ लिखने के लिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशंस एंड स्ट्रक्चर्स। गौर करिएगा, सवाल बहुत यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग था। सवाल इनका एग्जैक्टली था, मोहसिन आपसे एड्रेस कर रहा हूँ, ज़रा सामने देखिएगा कि स्पोकन एक्सप्रेशन और स्पोकन स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। देखिए गौर करिएगा, स्पोकन एक्सप्रेशन आम तौर पे ग्रामेटिकली तैयारशुदा नहीं होता, ये तैयार होता है पोर्शन वाइज, यानी ये हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए, कुछ ऐड करने के लिए। मिसाल के तौर पे जैसे आपने अगर प्रीवियस लेक्चर मेरा व्यू किया हो, इससे पहले का इंस्टेंट क्वेरीज में नहीं बल्कि स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ में, दैट वाज स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 10, उसमें मैं नो के एक्सप्रेशंस बता रहा हूँ, तो उसमें था नो इफ्स एंड नो बट्स, एक मिसाल है, नो हार्म डन। अब आप गौर करेंगे तो इसमें ग्रामर को देखा नहीं जा रहा, इसमें सिर्फ एक एडिशन है, यानी नो हार्म डन अपने आप में एक मुकम्मल जुमला भी बन जाता है, मीनिंग भी मुकम्मल आ जाती है, लेकिन वो ग्रामेटिकली लिंक्ड नहीं होता। यानी मैं लिख सकता हूं डोंट नीड करेक्ट ग्रामर, ऑल्दो वी मे हैव अ ग्रामर इंटैक्ट, मगर इसमें हमें ग्रामर की बिल्कुल सही ही हो एक्सप्रेशन में ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी एक ऐसा जुमला, एक ऐसा पोर्शन जो कि ग्रामर के बगैर ही देखा जाए तो उसकी अपनी मीनिंग निकल रही हो। स्ट्रक्चर में वी फॉलो करेक्ट ग्रामर, किसी भी हाल में हमें इसमें ग्रामर को फॉलो करना पड़ता है। जैसे वॉन्ट टू, अब वो वॉन्ट टू ही रहेगा, और अगर कि टेंस वाइज देखा जाए तो वो वांट्स टू भी हो सकता है, वो डू नॉट वांट टू, डज नॉट वांट टू में भी कन्वर्ट हो सकता है। यानी एक तरह से ग्रामेटिकली देखा जाए तो वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। वो पास्ट में जाए तो डिड नॉट वांट टू हो सकता है, वांटेड टू हो सकता है। तो जहाँ ग्रामर को देखा जाए वो स्पोकन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहाँ ग्रामर के पोर्शन आने ज़रूरी हैं, और एक्सप्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रामर की बात ज़रूरी नहीं है कि वो मौजूद है या नहीं है, उसके बगैर भी काम हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मोहसिन आपके भी सवाल का जवाब दे दिया है, बहुत से सवाल और भी बाकी हैं, और इंशाल्लाह अपने सेशन को तवील ना करते हुए अपने अगले सेशन में, दैट इज़ इंस्टेंट क्वेरीज 3 में, मैं इंशाल्लाह उन सवाल को भी यहाँ पर लेकर आऊँगा। बहुत सारे सवाल हैं एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि आप आगे बढ़कर ये सवाल कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, जाते जाते एक और रिक्वेस्ट करूँगा, आपने कल एक वीडियो देखी होगी जो मैंने गुड न्यूज़ के नाम से आपके लिए डाली है, और उस वीडियो में ज़ाहिर है कि मैं आपकी सेंग्स का इंतज़ार कर रहा हूँ,
किसी भी वीडियो के नीचे और ख़ास तौर पे उस वीडियो के नीचे अपनी विशेस को यहाँ पर लिखिएगा, क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं बहुत जल्द न्यू ईयर में और न्यू ईयर से ऑनवर्ड्स मैं लाइव सेशंस और ऑनलाइन क्लासेस भी अरेंज करने जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी ख्वाहिशात के एन मुताबिक। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फजल शबास्तान को इजाज़त दीजिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।